मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दिव्यांग होने के बाद भी बुलंद हौसले के दम पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और डबल्स में रजत पदक जीत चुकी बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं दिव्यांग स्वाति सिंह, ग्राम अमीटा, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने एक हाथ के दम पर और अपने माता पिता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के लिए गोल्ड जीता था। मैं नेशनल और इंटरनेशनल खेलकर अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये अफोर्ड कर सकूं। मैं आपसे निवेदन करती हूं और आशा करती हूं कि मुझे इतनी सुविधा दी जाए जिससे मैं अपने देश के लिए खेलकर गोल्ड ला सकूं और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। धन्यवाद। जनपद जालौन के अमीटा गांव के दिव्यांग बेटी अब तक उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री सहित कई राजनेताओं और अधिकारियों की चौखट पर मदद की गुहार लगा चुकी। आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवार की दिव्यांग बेटी देश का प्रतिनिधित्व कर ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहती है, लेकिन उसे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पाई, जिसके चलते बेटी ने अब पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका अपना देवेश। आज हम अपने साथियों के साथ आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दिव्यांग है। उसका एक हाथ नहीं है, नाम है स्वाति सिंह, जनपद जालौन की अमीटा गांव की रहने वाली स्वाति सिंह, जिसने 2022 में पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुई जो प्रदेश लेवल की जो प्रतियोगिता थी, बैडमिंटन प्रतियोगिता, उसमें गोल्ड जीता था। और तब से लेकर अब तक वो कई अधिकारियों के पास, राजनेताओं के पास, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के पास तक जाकर अपनी गुहार लगा चुकी है कि उसको वो सारी सुविधाएं मिलें ताकि वो देश के लिए खेल सके, देश का प्रतिनिधित्व कर सके और ओलंपिक में गोल्ड ला सके। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के दरबार में भी चक्कर लगाने के बाद जब उसकी बात नहीं हुई पूरी, तो उसने कल देर शाम एक वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। उन्होंने वीडियो में एक अपील की है, अपनी बात रखी है कि मैं स्वाति सिंह देश के लिए खेलना चाहती हूँ, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ। यानी हौसला देखिए आप, एक दिव्यांग बेटी, भारत की बेटी, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटी, भारत के लिए गोल्ड लाने का सपना देख रही है। आखिर क्यों उसकी बात सुनी नहीं जा रही? कई अधिकारियों की, कई राजनेताओं की चौखट पर अपनी बात रखने के बाद भी मिला तो सिर्फ उसको आश्वासन, लेकिन आज उसने जो वीडियो संदेश जारी किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जारी किया और उसमें अपील की है। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है, वीडियो हमारे पास तक भेजा है और साथ ही विनय की है कि अगर ये वीडियो संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उनकी कोई ना कोई मदद की जा सकती है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को संज्ञान लें और उस आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग स्वाति सिंह को वो सारी सुविधाएं, स्पोर्ट्स किट्स से लेकर एकेडमी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें जिसकी उसको चाहत है, क्योंकि हौसला है उसमें, एक चाहत है, जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है और उस देशभक्ति के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उसने जून 2022 में उत्तर प्रदेश लेवल पर आकर एक गोल्ड जीता है, वो देश का प्रतिनिधित्व करके ओलंपिक में गोल्ड जीते, निश्चित तौर पर भारत के साथ साथ इस जनपद का भी मान बढ़ेगा। स्वाति सिंह मेरा नाम है, मैं अमीटा गांव की रहने वाली हूँ। खेलती हैं, क्या खेलती हैं, कहाँ तक मेडल लिए? हम बैडमिंटन खेलते हैं और हमने स्टेट तक मेडल्स जीते हैं। कौन सा मेडल हासिल किया? स्टेट में गोल्ड जीता है, सिंगल में गोल्ड है और डबल में सिल्वर है। अगला टूर्नामेंट कब है? अगला टूर्नामेंट मार्च में है, अभी 2023 में नेशनल का। तो इन परेशानियों का सामना कर रही हैं, क्या शिकायत? परेशानियाँ, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है क्योंकि मेरे फादर एक किसान हैं, जिस वजह से हमें फाइनेंशियल कंडीशन को से गुजरना पड़ रहा है
और काफ़ी जगह हमने इसको लेके मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। मदद को लेकर किन किन से मिल चुके हैं? मदद को लेके केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल चुके हैं, उन्होंने भी उम्मीद दी है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई। भानु प्रताप वर्मा जी से मिल चुके हैं, उन्होंने भी यही उम्मीद दी, इसके अलावा अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। जिले के कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात? जी, जिले में DMM से मिल चुके हैं, उनसे तो काफ़ी बार मिलना हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली हमको। नमस्कार।